नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज मैं करने जा रही हूँ पुराने कपड़े का रियूज, जो बहुत ही प्यारा रियूज है और बहुत ही सारे कपड़े का रियूज हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर कुछ पुराने कपड़े हैं और कुछ मेरे बच्चों के छोटे पड़ गए कपड़े हैं। तो ये मेरे शॉर्ट्स मेरी बेटी के छोटा पड़ गया है और कुछ पुरानी लेगी वगैरह है मेरे बच्चों की। तो आज इन्हीं सब का रियूज करेंगे और बहुत ही प्यारा आइटम बनाएंगे। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, यहाँ पर कुछ मैंने पुरानी लेगिंग ली है, टी शर्ट भी ले सकते हो आप, शॉर्ट्स वगैरह भी ले सकते हो। कुल मिलाकर जो स्ट्रेबल कपड़े होते हैं और जिनके जो हमारे टी शर्ट वगैरह में यूज में लेते हैं, जिनमें हम कट करने के बाद में भी धागे वगैरह नहीं निकलते हैं, वही कपड़े हमें यूज में लेना है। तो देखिए, इसके अलावा मैंने एक जींस की पैंट भी ली है जो मेरे हस्बैंड की है और काफ़ी पुरानी हो गई है, उसका कलर वगैरह निकल गया है, तो उसका भी मैं रीयूज करूँगी इसी के साथ में। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जींस का जो नीचे का बॉटम पार्ट होता है पैर का, तो उसको कट कर देंगे। फिर उसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई का निशान मैंने लगाया है 22 इंच पर। और देखिए, दोनों ही पैर को एक साथ में यहाँ पर कटिंग कर देंगे, मतलब दोनों ही पैर के कपड़े की कटिंग कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए, दोनों ही कपड़े की मैंने कटिंग कर दी है और अब हमें निकालना है इसमें से सीधा पार्ट। तो देखिए, ऊपर का पार्ट निकला है, आप इसको यहाँ से फोल्ड करते हुए शॉर्ट्स भी बना सकते हो, तो ये तो अलग चीज़ है। तो इसको साइड में रखते हैं, अब इसका कोई यूज नहीं है, हमें नहीं चाहिए वो कपड़ा। देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो तिरछा वाला हिस्सा होता है ना, तो उसका नीचे से हमें इस प्रकार कट लगा कर खींचना है, तो आपको सीधा कपड़ा कट हो जाएगा। और देखिए, दूसरी तरफ भी इसी प्रकार हम कट लगा कर कपड़े को इस प्रकार खींचेंगे, तो यहाँ पर जो भी इसका तिरछा भाग है वो निकल जाएगा और यहाँ पर एकदम स्ट्रेट हमारे कपड़े की कटिंग हो जाएगी। तो इसी प्रकार देखिए, दूसरे वाले कपड़े की भी हमें कटिंग करनी है। तो देखिए, दोनों ही कपड़े में से जो भी टेढ़ वगैरह थी वो निकल गई हैं और एकदम सीधा सीधा पार्ट हमारे पास बचा है। तो दोनों ही कपड़े की लंबाई चौड़ाई बराबर है, इनकी लंबाई है 22 इंच, चौड़ाई है 14 इंच। तो देखिए, इस प्रकार हमें कपड़े को दोनों को एक साथ रख देना है और दोनों ही कपड़े की सीधी साइड है वो अंदर की साइड में है। इसके बाद में देखिए, कपड़े को इस प्रकार फोर फोल्ड कर देना है। देखिए, इसकी चौड़ाई आ रही है 14 इंच, लंबाई आपको पता ही है 22 इंच है। अब हमें क्या करना है, कोने से 2 इंच पर निशान लगाना है और इस प्रकार गोलाई दे देनी है यहाँ पर। देखिए, दूसरी तरफ भी इस प्रकार 2 इंच पर निशान लगाएंगे कोने से और यहाँ पर राउंड निशान लगा देंगे इस प्रकार। देखिए, और जहाँ हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर कपड़े की कटिंग कर देनी है। तो देखिए, यहाँ पर कपड़े की कटिंग हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर कपड़े की कटिंग हो गई है और देखिए, दोनों ही कपड़े का जो सीधा वाला पार्ट है वो अंदर की साइड में है और उल्टा पार्ट बाहर की तरफ है। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक साइड में हमें 4 इंच इतना थोड़ा सा निशान लगा देना है और बाकी कपड़े पर इस प्रकार आधा इंच मार्जिन देते हुए गोलाई में सिलाई लगा देंगे। तो अभी मैं आपको सिलाई लगा कर बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सिलाई मैंने लगा दी है और जो हमने खुला पार्ट छोड़ा था उससे इसको सीधा कर देंगे। तो देखिए, इस प्रकार हमें जो हमने 4 इंच इतना सा खुला छोड़ा था वहाँ से इसको इस प्रकार सीधा कर देना है। तो अभी मैं आपको सीधा करके बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सीधा मैंने कर दिया है, जो खुला वाला पार्ट था यहाँ पर सिलाई लगा कर इसको भी बंद कर देंगे। देखिए, अब इसका काम हो गया है, इसको रखते हैं साइड में। अब हम लेते हैं पुरानी लेगिंग। तो ये मेरे ब्लैक कलर की लेगिंग, मेरे पास 3 लेगिंग है। तो देखिए, यहाँ पर लगभग 2 लेगिंग मेरे पास यूज में आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं 2 लेगिंग को इस प्रकार ऊपर से जो ऊपर इलास्टिक वगैरह लगा हुआ है उसको कट करके निकाल देंगे और नीचे बॉटम पार्ट में भी जो फोल्ड कपड़ा है उसको भी कट करके निकाल देंगे। और अब इसकी सीधी सीधी कुछ पट्टियाँ कट कर देंगे। तो देखिए, दोनों ही पैर को इस प्रकार मैंने एकदम अच्छे से रख दिया है और लगभग हमें 2.5 से 3 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टियाँ कट करनी होगी। देखिए, इस प्रकार यहाँ पर देखिए, इसको कट मैंने किया था लगभग ये 2.5-3 इंच इतनी चौड़ी है। और दूसरी को इस प्रकार ऊपर रखते हुए यहाँ पर भी इसका माप ले लेंगे और इसी के बराबर यहाँ पर भी और कुछ कपड़े की पट्टी हम कट कर देंगे। तो देखिए, इस प्रकार मैं दोनों ही लेगिंग कट कर दूंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं 2 लेगिंग कट कर रही हूँ, फिर और चाहिए होगा तो बाद में कट कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास बहुत सारी स्ट्रिप बनकर तैयार हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, जो पेंट से हमने एक ये पीस बनाया था राउंड,
उसके ऊपर इस प्रकार छोटी छोटी चुनटें डालते हुए सिलाई लगाएंगे एकदम किनारी किनारी पर। तो देखिए यहाँ पर किनारी किनारी पर मैंने सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सिलाई मैंने लगा दी है और बहुत ही प्यारी फ्रिल लगी है हुई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। देखिए इतनी सी लगाई तो भी कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है, एकदम चेंज हो गया है। तो देखिए यहाँ पर फिर अब मैं करूँगी एक जो मेरी बेटी के छोटा पड़ गया है, टी शर्ट और नीचे शॉर्ट है, दोनों ही छोटे पड़ गए हैं तो वो अब पहनती नहीं है। तो गए साल गर्मी में पहनती थी और अब के साल गर्मी आई तब तक तो उसके आ भी नहीं रहा है। तो इसकी भी इसी प्रकार की जो 2.5-3 इंच लगभग चौड़ी स्ट्रिप कट करेंगे और जितनी भी स्ट्रिप यूज में आएगी वो लगा देंगे। तो देखिए ब्लैक के बाद में यहाँ पर मैं येलो कपड़े का यूज करूँगी। तो देखिए इस प्रकार जो हमने पहले फ्रिल लगाई थी उसको साइड में करेंगे और यहाँ पर छोटी छोटी चुनटें डालते हुए यहाँ पर भी हम फ्रिल लगा देंगे। तो अभी मैं आपको लगाकर बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अभी सारी स्ट्रिप को आपको जॉइंट नहीं करना है, आप अलग अलग कर सकते हो क्योंकि इसमें से वैसे तो धागे वगैरह कोई निकलेगा नहीं। और येलो कलर की हम भी हमारी फ्रिल लग गई है और ये भी लगने के बाद में काफ़ी प्यारी लग रही हैं। अब इसके बाद में वापस हम ब्लैक कलर का कपड़ा यूज करेंगे क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर ज़्यादा है तो ब्लैक कलर ज़्यादा यूज करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं ब्लैक कलर की पट्टी इसी प्रकार की फ्रिल लगाते हुए अटैच करेंगे। इसके बाद में मैं लाल कपड़ा यूज करूँगी जो मेरे पास एक छोटी सी लेगी का बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मैं पूरे पर फ्रिल लगाकर बताती हूँ। तो देखिए पूरे पर मैंने लगा दी हैं। देखिए मैंने पहले ब्लैक कलर लगाया है, उसके बाद में येलो कलर, उसके बाद में वापस से ब्लैक कलर लगाया है, फिर रेड कलर लगाया है और फिर ब्लैक कलर लगाया है। उसके बाद में मैंने ये पिंक कलर का एक टी शर्ट यूज में किया था और फिर येलो कलर की मेरे पास थोड़ी और स्ट्रिप बच गई थी तो येलो कलर लगाया है, फिर बीच में मैंने ब्लैक कलर लगाया है। तो इस प्रकार देखिए बहुत ही प्यारा हमारा गुदगुदा सा पायदान बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसको दरवाजे के यहाँ डोरमेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप घर में आसन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही प्यारा बनकर तैयार हुआ है। आप चाहो तो इसे और भी बड़ा भी बना सकते हो बैठने के लिए। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सॉफ्ट, एकदम गुदगुदा सा बना है और इसमें से धागे वगैरह निकलने का तो डर नहीं है क्योंकि ये ओजरी का कपड़ा है, इसमें से धागे वगैरह निकलते नहीं हैं और बहुत ही प्यारा बना है। बहुत सारे कपड़े हमने इसमें यूज किए हैं, 3-4-5 लेगी यूज में आ गई हैं इसमें और 2 टी शर्ट यूज में आ गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।